तो दोस्तों, अभी हाल ही में Q&A सेशन हुआ था रूसो ब्रदर्स के साथ 28 नवंबर 2018 को। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड और आने वाली मूवी एवेंजर्स 4 से रिलेटेड। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि क्या स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी कोऑर्डिनेट से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जैसे थानोस ने सारे के सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर लिए थे, वो बस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को निहार ही रहा था तब तक थॉर ने उस पर हमला कर दिया। और वो हमला इतना ज़ोरदार था कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकर सीधे जाकर लगा थानोस के सीने में और थानोस उसको रोक भी नहीं पाया। आपने पूरी मूवी में वो क्लाइमेक्स सीन देखा होगा, कितना ज़बरदस्त था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि थानोस 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ उस स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को रोक नहीं पाया? जब इसका क्वेश्चन रूसो ब्रदर्स से पूछा गया तो रूसो ब्रदर्स का एक सीधा साधा जवाब था, थानोस उस समय प्रिपेयर्ड नहीं था। जी हाँ दोस्तों, रूसो ब्रदर्स ने यही कहा कि उस समय थानोस प्रिपेयर्ड नहीं था। वो बस अपने इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करके बड़ी खुशी में उसको निहार ही रहा था तब तक, कहाँ से उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकर आकर लग गया उसको पता ही नहीं चला। अगर थानोस उस वक्त प्रिपेयर्ड रहता तो थॉर का स्ट्रॉन्ग ब्रेकर उसे छू भी नहीं पाता। तो ये सिंपल सा लॉजिक था कि थानोस उस वक्त प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकर उसको ओवरपावर कर सका। और ये प्रूफ करता है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकर से ज़्यादा पावरफुल है, ना कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकर। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी अपडेट, होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।